वालेकुम दोस्तों आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टू कोसा वोट्री फारम दोस्तों मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ तो आप अपने जानवरों को लिए जिसको कैल्शियम की कमी होता है जो आप दूसरे को जानवर जख्मी करते हैं क्यों वो जख्मी इसके वजह से करते हैं क्यों उनके कैल्शियम की कमी होता है तो आप ये दवाई लें और अपने खुराकों में मिक्स करें खुराक में सो so, अपने परिंदों को डाल सकते हैं किसी परिंदे को आप डाल सकते हैं मुर्गियाँ हो मुर्गी के अलावा और भी कुछ परिंदे हैं आप उनको खुराक में मिक्स कर देखते हैं बेशक आप आटे में भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन आधा चम्मच चम्मच से ज़्यादा नहीं डालने ज़्यादा क्यों डालते हो तो इसका बहुत जो है हीट वो बहुत तेज़ है तो दोस्तों को मैं मुर्गे भी दिखाने वाला हूँ काफ़ी मेरे मुर्गियाँ बंद है पिंजरों में सर्दी के वजह से सो ये हमारे लिए बाकी की ब्रीड है जिसको वो बैर की ब्रीड बोलते हैं बड़े बालों वाली है इसको हम इसको बरम भी बोलते हैं ये हमारे पास वाइट हीरा खड़ा है ये शामू है तो शामू के साथ हमने दूसरी मुर्गी लगाया हुआ है शामू की मुर्गी नहीं मिल रही है तो इसके वजह से हमने दूसरा मुर्गी मिला लिया है सो so, हमारे पास ये वाइट हीरा भी है तो इसकी जोड़ी थी मादी वो मर गया फीमेल था सो so ये भी हमारे सिंध का नस्ल है सो so दूसरा भी है हमारे पास व्हाइट शामू है उनकी जोड़ी बनी हुई है तो दोस्तों को दिखाता हूँ ये दोस्त हमारे पास यही है अच्छे वाली जोड़ी है जो बनी हुई है शामू की यही है और इसमें शामू के बच्चे हैं सो भी निकाल दिया इसमें हमारा दो मोर और मोरनी है और मुर्गे भी हैं अंदर मुर्गी बच्चों वाली है वो छोटे पिंजरे में है मैंने कहा चलो ठीक है दोस्तों को ये भी दिखाते हैं अपने जानों मुर्गियों को कैसे हिफाजत करनी होता है तो मैंने इनके बिलफ भी लगाए थे लेकिन बिलफ वो नहीं चलते हैं बलफ जल जा जाते हैं क्योंकि इधर लाइट जो होता है वो बहुत तेज़ होता है तो इसकी वजह से वो नहीं चलते हैं ये जो हमारा फथक है ये काफ़ी नुकसान करता है और हमारे जो मुर्गे हैं उनको नुकसान पहुंचाता है और उनसे लड़ाई करता है सो हो सकता है इनको मैं अलग रखूं और इनका जो खुडा है वो अलग बना हुआ है ये हमारे पास शामू है ये बरमू सारे घूम रहे हैं ये टर्की हैं इसमें कुछ शामू भी है